वेलकम बैक टू माय चैनल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए मॉर्निंग का समय था तो मैं सुबह सुबह नहा पीच के पूजा उजा करके अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी नाश्ता, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि पूजा पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे सिस्टी मेरा किचन में थोड़ा सा हेल्प कर दे रही थी और मेरे सिर में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा था तो मैं अपने बालों में ऑयलिंग की हूँ, तो अभी सिर ऑयलिंग करने के बाद पता नहीं कि और भी भारी भारी जैसा लग रहा है मुझे, तो हेयर वॉश मैं करूँगी आज नहीं कल। और यहाँ पे देखिए नाश्ता मेरा रेडी है। मैंने नाश्ता में बनाया था आलू के पराठे, तो ये मसाले मैं रात में ही बना के रख दी थी, तो फिर सुबह उठ के मैं अभी पराठे बनाने लगी थी। और सृष्टि थोड़ा सा मेरा किचन में आके और जब उसे नहा पीस ली थी सृष्टि और कृति दोनों, और फिर वो लोग का भी नाश्ता का टाइम हो गया था तो मैं नाश्ता बना रही थी तो वो अपने पापा को नाश्ता दे दे रही थी और फिर दीदी को, फिर वो भी खाएगी। तो यहाँ पे मेरे नाश्ते बन गए थे और सभी लोग नाश्ता कर लिए थे, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ एक सब्जी बनाऊँगी गाजर आलू का और बंद गोभी देख के, एक मैं फ़ौरन पे सब्जी बनाऊँगी और एक सब्जी मैं मसाले वाली बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पर थोड़े से आलू मसाला बच गए थे तो मैं थोड़े से बेसन घोल के और यहाँ पे मैं चॉप बना दे रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जी का टिफ़िन भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे चॉप बन गए हैं, तो थोड़े से आलू थे तो मैं थोड़े से ही चॉप बना रही हूँ। और ये छोटे से आलू जो मैं मेरे पास थे वो इतने ही बच गए थे तो फिर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे हस्बैंड जी ने काट दिया था, तो फिर मैं इसे फ्राई कर दे रही हूँ और ये सब नाश्ते में हो जाएगा। तो आज लास्ट है ड्यूटी का, मतलब 20 ड्यूटी का, और कल से मॉर्निंग हो जाएगा तो कल से मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएंगे, आराम से काम करूँगी मैं। और मॉर्निंग में थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मूढ़ी ले जाते हैं मेरे हस्बैंड जी, तो यहाँ पे मैं आलू और हरी मिर्च दे दी हूँ थोड़ा सा फ्राई करके, और इनको इस सीजन का न्यू आलू थोड़ा सा वो खाते हैं, ज़्यादा नहीं मनमुड़ी में थोड़ा सा आलू खाते हैं। और चॉप मैंने बनाए थे तो फिर ये नाश्ता, शाम का नाश्ता जो 6 बजे वो करते हैं तो फिर उनके लिए ये नाश्ता है। और खाना वो 12 बजे खाते हैं तो इसलिए 12:30 के बीच में ही उनका हो जाता है जब ये 20 रहती है, तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी भूख लगती है तो मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो अभी सब मेरे दोपहर का नाश्ता, मतलब पति हस्बैंड जी के लिए शाम का नाश्ता और मॉर्निंग का नाश्ता तो हो गया था, तो फिर अभी मैं दोपहर का खाने की तैयारी कर रही थी जल्दी से, क्योंकि मुझे 12 बजे तक ही सारे कुछ बना लेने होते हैं। तो ये देखिए आलू की साग है, तो ये आलू मैंने अपने गार्डन में लगाए थे तो इसी की साग की आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आज मेरे घर में 2 सब्जियाँ बनेंगी, तो एक फ़ौरन की सब्जी और एक मसाले वाली सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल और हरी मिर्च का फ़ौरन दिया है और डायरेक्ट मैं आलू डाल दूँगी मोटे मोटे काट। और यहाँ पे देखिए हरी मसाले में मैंने लिया है वही अदरक लहसुन जीरा मरीच और सरसों मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, सरसों जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे डालेंगे हल्दी धनिया मिर्च पाउडर इतना ही, और ये कुटे हुए मसाले में ये जाएंगे और नमक दे दूँगी। और आलू को बहुत ही अच्छे से लाल इस तरह से फ्राई कर लेना है, तो मसाले और आलू मेरे भुन चुके हैं थोड़े से, तो फिर मैं यहाँ पे पिसे हुए मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मस्टर्ड है तो इसको भी बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, तो फिर यहाँ पे मेरे मसाले भुन रहे थे। तो आज मैं 2 तरह की सब्जी इसलिए बना रही थी कि हस्बैंड जी को गाजर की सब्जी पसंद है बंद गोभी में देके, और मेरे बच्चे को उतने गाजर की सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे 2 सब्जी बनाने पड़े हैं। तो अभी मैं कटे हुए आलू के साग को डाल दूँगी और यहाँ पे मेरी सब्जी को धीमी आँच पे मैं पकने दूँगी। तो गाजर की सब्जी बच्चे उतने नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि गाजर स्वीट है मुझे नहीं पसंद, मतलब उन्हें नहीं पसंद आता है उतना सब्जी में ऐड करो। तो यहाँ पे धनिया पत्ती टमाटर डाल देंगे और सब्जी ये बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज हम लोग चावल खाएंगे, और आज मैं सब्जी चावल ही बना रही हूँ, 2 सब्जी और चावल। तो फिर यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से भून गए थे, तो यहाँ पे सब्जी लगभग बन ही गई है, तो अभी गाजर का सब्जी बना लेते हैं। तो चावल मेरी पहले ही बन गई है, तो सृष्टि किचन में आ गई और थोड़ा सा वो मेरा हेल्प कर रही थी और करती है जब उसे लगता है कि मुझे हेल्प की, मतलब थोड़ा अगर हड़बड़ी रहती है
तो फिर वो थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देती है। तो किचन थोड़ा सा फैला हुआ था तो वो गुछा दे रही थी, थोड़ा सा कुछ कुछ कर दे रही थी। और मैं बोली कि तुम हटो, मैं बना लेती हूँ फटाक से। तो बोली कि मम्मी मैं छौंक देती हूँ सब्जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बना लूँगी। और मैं थोड़े से बाहर अपने हस्बैंड जी के पास थोड़ा सा बात करने चली गई थी। मेरे हस्बैंड जी अभी बाहर बैठे हुए हैं धूप में, और मैं भी और सभी लोग बाहर ही नाश्ता कर रहे थे। तो फिर से देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी मैं सब्जी बनाऊँगी बंद गोभी की, जो कि फ़ोरन पे होगी। तो फ़ोरन में फ़ोरन के में प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च जाएगा, और फिर डालेंगे पंच फ़ोरन डालेंगे, तो फिर बहुत अच्छा बनता है सब्जी, मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे पंचफोरन डाल दिए हैं, और सब जितने भी कटे हुए मेरे पास प्याज थे और जो फ़ोरन काट के मैंने रखे थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो फ़ोरन को अभी इस तरीके से फ्राई करेंगे, तो ऐसे मैरून होने तक फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटे हुए सब्जी। तो फ़ौरन मेरे देखिए अभी बहुत अच्छे से लाल हो गए थे, तो मैं यहाँ पे सब्जी डाल दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छा बनता है। और लगभग सारे काम मेरे हो गए थे, खाना सब बन गया था। तो अभी टाइम हो जाए, सब्जी बनते बनते मुझे खाना निकालने का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं हस्बैंड जी को खाना दे दूँगी और खाना निकाल दूँगी, और सब मेरा आज का काम हो जाएगा। तो कल से थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, मॉर्निंग ड्यूटी में मुझे थोड़ा सा सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ, सिर्फ दोपहर का खाना का टेंशन रहता है। नाश्ता तो मैं 4-5 के बीच में ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मैं आराम से काम करती हूँ। तो कैसी लगी आप सबको आज की मेरी ये वीडियो? तो यहाँ पर देखिए खाना मैंने बना लिया है, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।